हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फिफ्थ चैप्टर ऑफ आवर टेक्स्ट बुक्स मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज़ फ्लावर फ्लावर की स्ट्रक्चर की स्टडी कर ली है इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं जिनकी स्टडी करना भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें ये टर्म्स आते हैं तो ये टर्म्स क्या हैं इनकी नॉलेज होनी चाहिए तो फर्स्ट कंप्लीट फ्लावर एंड इनकम्प्लीट फ्लावर स्टडी किया स्ट्रक्चर में कि जो फ्लावर होती हैं उनमें स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं बहुत से वर्ल्ड प्रेजेंट होते हैं टोटल मेजर फोर वर्ल्ड्स प्रेजेंट होते हैं कौन कौन से हैं कैलिक्स है कोरोला है एंड्रोशियम एंड गायनोशियम आप किसी फ्लावर में अगर ये ऑल फोर वर्ड्स प्रेजेंट हैं, तब उस फ्लावर को कहेंगे कंप्लीट फ्लावर अगर इनमें से कोई सा भी एक वर्ड एबसेंट है मिसिंग है तब उसको क्या कहेंगे फिर इनकम्प्लीट फ्लावर मान लो किसी में कैलिक्स नहीं है किसी में कोरोना नहीं है या किसी में एंड्रेशियम नहीं है गायनिशियम नहीं है तब उसको क्या कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर नो बायोसेक्चुअल और हर्मेप्रोडाइट फ्लावर एंड यूनिसेक्चुअल फ्लावर स्टडी जिस फ्लावर की की थी स्ट्रक्चर के लिए वो कैसा था बायसेक्सुअल था क्यों क्योंकि इसमें स्टैम्स एंड कार्पल्स दोनों ही प्रेजेंट थे यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी था एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी वहाँ पर प्रेजेंट था अगर एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है तब उसको क्या कहेंगे बाई और हर हर फ्लावर और अगर क्या है उसमें सिर्फ या तो स्टेमिन प्रेजेंट है या फिर सिर्फ कार्पल प्रेजेंट है तब उसको क्या कहेंगे फिर यूनिसेक्चुअल फ्लावर तो अगर सिर्फ एक चीज प्रेजेंट है या तो वो है मेल फ्लावर अगर स्टेमिन प्रेजेंट है सिर्फ उसके अंदर तब उससे क्या कहेंगे मेल फ्लावर तो वो कैसा होगा यूनिसेक्चुअल होगा सिर्फ एक ही इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है मेल ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उसके अंदर प्रेजेंट है या सिर्फ उसके अंदर अगर कार्पल प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे फिर फीमेल फ्लावर वो भी कैसा होगा यूनिसेक्शुअली होगा अब क्या है सिर्फ जब उसके अंदर स्टेमिन प्रेजेंट है तब उस मेल फ्लावर को क्या कह सकते हैं और अपन स्टैमिनेट तो या तो कह सकते हैं डायरेक्टली मेल फ्लावर या कह सकते हैं स्टैमिनेट क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है स्टेमिन प्रेजेंट है ऐसे अगर सिर्फ कार्पस प्रेजेंट है तब उसको क्या कह सकते हैं फीमेल फ्लावर है। या फिर पिस्टिलेट दोनों ही क्या है यूनी फ्लावर्स हैं क्योंकि सिर्फ एक ही इसके अंदर एक ही सेक्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है और न्यूट्रल फ्लावर अगर दोनों ही एब्सेंट हो स्टाम एंड कार्पल्स दोनों ही अगर एबसेंट है तब उसको क्या कहेंगे फिर न्यूटर फ्लावर्स तो ऐसे जो सन फ्लावर होता है सनफ्लावर में टू टाइप्स के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं उनमें से जो एक टाइप है वो होते, होते हैं बाई सेक्शुअल एंड अदर टाइप कैसा होता है उसका न्यूट्रल फ्लावर्स रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले सकते क्योंकि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड कार्पल दोनों ही इसके अंदर क्या है एबसेंट है बस अट्रैक्ट करने का काम करते हैं इंसेक्ट को या बर्ड्स को जो भी पोलिनेटर होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं जिससे वो वहाँ तक आए और पोलिनस को अपने साथ ले जाए और पोलन दूसरे फ्लावर तक चले जाए और फर्टिलाइजेशन हो जाए इतना हेल्प करते हैं वो बस नाउ प्लांट्स के टाइप्स हैं आप मोनोशियस प्लांट एंड डायोशियस प्लांट मोनोशियस प्लांट में तो क्या होंगे एक ही प्लांट है उस पर मेल फ्लावर्स भी आ रहे हैं एंड फीमेल फ्लावर्स भी आ रहे हैं एक ही प्लांट में अगर दोनों टाइप के फ्लावर्स आ रहे हैं तब उस प्लांट को क्या कहेंगे मोनोशियस प्लांट एग्जाम्पल मेस कैस्टोरबीन कुकरबिटा ये सारे क्या हैं ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें मेल फीमेल प्लांट अलग अलग ही नहीं होते एक ही प्लांट है उस पर मेल फ्लावर्स भी आ गए और फीमेल फ्लावर्स भी आ गए नाउ डाइशियस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर या तो एक प्लांट के अंदर सिर्फ मेल फ्लावर होंगे या फिर एक प्लांट के अंदर सिर्फ फीमेल फ्लावर फ्लावर्स होंगे यानी स्पीशीज एक ही है प्लांट अलग अलग हैं मेल प्लांट अलग ही हैं उसकी और फीमेल प्लांट अलग ही तो कौन केस में होगा ये मेन एग्जांपल आता है इसका पपाया मलबरी है डेड पाम है कोसिनिया ग्रैंडिस है ये सारे किसके अंदर आएंगे डायशियस प्लांट के अंदर आएंगे सटन प्लांट्स लाइक मैंगो एंड कैशनेट हैव न्यूट्रल बाई सेक्चुअल एंड यूनि फ्लावर्स ऑन द सेम ट्री आप कुछ स्पेशल कंडीशन होती है किसी किसी प्लांट में जैसे मैंगो है या कैशोनट है इसके अंदर न्यूट्रल फ्लावर भी बायसेक्शुअल भी एंड यूनिसेक्शुअल सब टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं एक ही प्लांट पर सेम ट्री पर नाउ, अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ फ्लोरल लीव्स ऑन थैलेमस फ्लोरल लीव्स किसके लिए आता है कैलिक्स कोरोला, जो पिस्टल है कार्पल और स्टेमिन इनको ही क्या कह देते हैं फ्लोरल लीव्स कह देते हैं ऑन थेलेमस इनकी एक्सेस पर ये कैसे अरेंज्ड हैं किसके रेस्पेक्ट में देखें अपन ओवरी कि ओवरी कैसे अरेंज है और ओवरी के कंपेरिजन में ये सारे अदर जो स्ट्रक्चर हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं उसके बेसिस पर अपन क्लासीफाई कर सकते हैं फ्लावर्स को थ्री टाइप्स में कौन कौन से हो जाएंगे टाइप्स हाइपोजिनस पैरिजिनस एंड एपिजिनस हाइपोजिनस में क्या होगा जो ओवरी है वो होगी सुपीरियर ओवरी है सुपीरियर यानी ओवरी सबसे ऊपर प्रेजेंट है उसके नीचे से निकल रहे हैं फिर स्टेमिन और पेटल्स और सेपल्स सब कहाँ से निकल रहे हैं ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं निकल थैलेमस रहे थैलेमस ही रहे थैलेमस कहाँ है ओवरी के नीचे थैलेमस की अपर मोस्ट पार्ट पर क्या है ओवरी तो अदर जो स्ट्रक्चर निकलेंगे वो कहाँ से निकलेंगे ओवरी के नीचे से निकलेंगे तो हाइपोजिनस कंडीशन में क्या होगा ओवरी सुपीरियर होगी पैरिजिनस कंडीशन इसमें क्या होगा जो तो थैलेमस होगा वो कप शेप्ड होगा और इसमें ओवरी हाफ इंफीरियर होगी फुल इंफीरियर नहीं होगी हाफ इंफीरियर होगी क्योंकि ये निकल कहां से रहे ओवरी के नीचे से निकल रहे ऐसे देखें तो ये सारे स्ट्रक्चर फिर भी निकल कहां से रहे ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं यहां से निकल रहे हैं ऊपर निकल यहां से रहे तो ये कैसी है हाफ इंफीरियर है थर्ड टाइप एपिजिनस इसके अंदर क्या हो जाता है जो कप शेप था वो ज्वाइन हो जाता है दोनों तरफ से अब ये स्ट्रक्चर कहां से निकल रही है यहां से निकल रही है यानी ओवरी के ऊपर से निकल रही है ओवरी क्या हो गई अब इंफीरियर हो गई नीचे आ गई तो इसको कहेंगे ओवरी तो कैसी है इंफीरियर और कंडीशन क्या है फ्लावर की एपिजिनस सुपीरियर so, ओवरी हो यानी सबसे ऊपर ओवरी है तब हाइपोजिनस ओवरी हाफ इन्फीरियर है वो थैलेमस कप शेप्ड है तब पैरिजिनस एंड ओवरी इन्फीरियर है सारे स्ट्रक्चर्स ऊपर से निकल रही हैं तब एपिजिनस कंडीशन तो प्लेसेंटा प्लेसेंटा का बता दिया है प्लेसेंटा क्या है जो सेंटर में ओवरी की टिश्यू प्रेजेंट होता है वो प्लेसेंटा तो ये जो टिश्यू प्रेजेंट है ये क्या है प्लेसेंटा प्लेसेंटा <kling> से भी क्या निकलते हैं ओवियूज़ तो ये ओव्यूज कहाँ से निकले प्लेसेंटा से निकले ये प्लेसेंटा इससे निकलेंगे ओव्यूज इज अ मैनर इन विच प्लेसेंटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओवरी अब प्लेसेंटा कैसे अरेंज है एक तो ऐसे हो सकती है सेंटर में जरूरी नहीं है फ्लावर में ऐसे ही हो इसकी अरेंजमेंट अलग अलग तरह से हो सकती है तो अरेंजमेंट कैसे है किस मैनर में अरेंज है प्लेसेंटी तब उसको क्या कहेंगे उस अरेंजमेंट को उस मैनर को प्लेसेंटेशन अगर किसी फ्लावर में सिंगल कार्पल है तब वो मोनो कार्पिलरी टू कार्पल प्रेजेंट है बाई कार्पलरी एंड मोर देन टू कार्पल प्रेजेंट है तब पॉली कार्पलरी कंडीशन होगी अब पॉली कार्पलरी कंडीशन भी कितने टाइप की होगी फिर टू टाइप्स की होगी एप्पोकार्पस एंड सिन अगर जो बहुत सी कार्पस प्रेजेंट हैं एक फ्लावर में वो सारे फ्री हैं एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं अलग अलग हैं तब उसको क्या कहेंगे एपोकार्पस। कार्पस और अगर वो सारे जो भी कार्पस हैं वो होली या पार्शली या तो पूरी तरह से या फिर आधे यूनाइटेड हैं जुड़े हुए हैं आपस में तब उस कंडीशन को क्या कहेंगे सिंह कार्पस कंडीशन